क्यों पिछली बार इंश्योरेंस क्लेम के बारे में अपन ने जहां पे छोड़ा था आज वहीं से शुरू करेंगे। वो सवाल थोड़ा जटिल भी है और परीक्षा में पूछने लायक भी है, इसलिए अपन ने उस वीडियो में उसको शामिल नहीं किया था क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा था। तो आज अपन उस सवाल को थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे। कम बिक्री वाले स्टॉक से संबंधित था आपका, तो ये देखें अपन इलेस्टेशन एक्ट है कि 16 अगस्त 2018 को लक्ष्मीकांत लिमिटेड को आग लगने से स्टॉक की हानि हुई। कब लगी आग? अगस्त 2018। निम्नलिखित सूचनाओं से दावा प्रस्तुत करने के लिए एक विवरण तैयार कीजिए। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, और ये फिगर ध्यान रखिएगा 5,76,000, ठीक है? ये 1 अप्रैल 2017 का फिगर है ना? फिर है परचेज ड्यूरिंग 17-18, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की परचेज 24 लाख। सेल्स ड्यूरिंग 2017-18, इसी पीरियड के दौरान सेल्स हुई 30,39,000। फिर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, इट मींस 2017-18 का के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक की सूचना दी गई है वो है 4,77,000। फिर ये आग लगने वाले वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2018 से अगस्त 15 आग लगने की तिथि के एक दिन पूर्व तक की सूचनाएं दी गई है परचेज की और सेल्स की। अब इसमें वही एबनॉर्मल या कम बिक्री वाला या पुअर लाइन वाला स्टॉक की बात है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इस पे थोड़ा गौर से ध्यान देना पड़ेगा। ये जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये परीक्षा में भी पूछा गया है प्रश्न, तो कम बिकने वाले स्टॉक की एक मद को पुअर लाइन स्टॉक है ना, जिसे 2016-17 में 1,50,000 रुपये की लागत पर खरीदा था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1,50,000। वो कब खरीदा था? 2016-17 में, यानी 1 अप्रैल 2017 से पहले, ठीक है? उसका 31 मार्च 2017 को 90,000 रुपये पर मूल्यांकन किया गया, यानी 1,50,000 रुपये का स्टॉक था। उसका मूल्यांकन कितने पे किया? 90,000 पे, इट मींस 60,000 रुपये कम किया। लागत मूल्य 1,50,000 था लेकिन 90,000 पर किया, यानी 60,000 रुपये कम दिखाया गया 16-17 में, है ना? और ये कब किया है? 31 मार्च 2017 को, इट मींस 1 अप्रैल 2017 को जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना है? 5,76,000। ये देख रहे हैं, 5,76,000 ये जो दिखाया गया था इसमें ये 60,000 रुपये कम किए गए थे, ठीक है? तो इसको अपन यहीं पे एक मिनट जोड़ के देख लेते हैं। यानी 31 मार्च 2017 को जो क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, हाँ, 31 मार्च 2017 को जो क्लोजिंग स्टॉक 6,36,000 का होना चाहिए था उसे 60,000 रुपये कम दिखाकर 5,76,000 रुपये दिखाया गया। और ये इसीलिए यहीं पे अपन ने इसलिए किया है क्योंकि जब हम 2017-18 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट की निकालने के लिए और परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ को भी निकालने में, तब ओपनिंग स्टॉक के फिगर को हमें एक्चुअल प्राइस पे लाएंगे तो एक्चुअल प्राइस ये होगी हमारी, ठीक है? ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब चलिए फिर ये आगे सूचना है, इसका आधा स्टॉक 2017-18 में 39,000 रुपये मूल्य पर बेच दिया गया, ठीक है?
आधा 1,50,000 रुपये का आधा, इट मीन्स 75,000। 75,000 का को कितने में बेचा? 39,000 में। तो लॉस कितना हुआ? 36,000। 36,000 का लॉस उठाकर कब बेच दिया गया था? 17-18 में, अर्थात 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 की अवधि में ये काम हो गया। ठीक है, 17-18। इसके बाद आगे आइए, तथा शेष का, यह शेष क्या बचा यहाँ? 1,50,000 माइनस 75,000, कितना बचा शेष? 75,000। ये हुआ हमारा शेष। इसके लिए क्या क्या कहा गया है कि शेष का 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 इट मींस क्लोजिंग स्टॉक के समय, ठीक है, क्या किया गया है? 36,000 रुपए पर मूल्यांकन किया गया, यानी 75,000 का 36,000 रुपए पर मूल्यांकन किया गया, तो डिफरेंस जो हुआ वो हुआ 39,000। यानी ये रिटर्न डाउन मान लो आप वैल्यू या कम वैल्यू दिखाई गई है। अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर हमें देखना, ये कब किया गया? देखिए 31 मार्च 2018 को, है ना? तो 31 मार्च 2018 का कितना था हमारा क्लोजिंग स्टॉक? 4,77,000। 4,77,000, ये 4,77,000 39,000 रुपए कम दिखाने के बाद आया है, तो हम इसमें 39,000 जोड़ रहे हैं। अगर इसकी एक्चुअल प्राइस पे हमको लाना है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज रेट निकालने के लिए हमें उस वर्ष का एक्चुअल ग्रोस प्रॉफिट की गणना करनी पड़ती है, उसमें ऐसे रिटर्न डाउन और ये जो पुअर लाइन वाले स्टॉक हैं उसको हमें एक्चुअल कॉस्ट पे लाते हैं। तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए उस दिन? 9,7,16,6,8,1,7,8,3,11,5,16,000। यानी इन रिवाइज्ड फिगर, ओपनिंग स्टॉक का ये रिवाइज्ड फिगर और क्लोजिंग स्टॉक का ये रिवाइज्ड फिगर, इसके आधार पर हम 17-18 के लिए उस लक्ष्मीकांत लिमिटेड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें आगे और जब बात आएगी वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या पेच है कि मूल स्टॉक, इस शब्द पे गौर कीजिएगा, मूल स्टॉक, या इंग्लिश में भी दिया होगा ओरिजिनल स्टॉक, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक। तो मूल स्टॉक का 1/4 भाग, मूल स्टॉक कितना है? 1,50,000। 1,50,000 का 1/4, 37,500। ठीक है, ये 37,500 क्या किया? जून 2018 में, यानी जिस वर्ष आग लगी, ठीक है, उसमें 21,000 रुपए मूल्य पर बेचा गया, यानी इस 37,500 को 21,000 पर बेचा गया, तो लॉस कितना हुआ? 500, 7 में से 16,500। ये लॉस किस ईयर में हुआ है? 16 अगस्त 2018 को लगी ना, तो 18-19 में, ठीक है, 18-19, हालांकि 19 तो हमें बनाना नहीं पड़ा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपन चलेंगे तो अपना तो पीरियड जो होगा वो 1 अप्रैल से 15 अगस्त तक ही होगा। ये अपने को ध्यान रखना कि ये जो 1/4 भाग 37,500 का बेचा था, ये कितने का लॉस उठाकर बेचा? 16,500 का लॉस उठाकर बेचा था। ठीक है सर, आगे चलिए।
शेष स्टॉक का मूल्यांकन। अब यहाँ पर हम उलझ जाते हैं क्योंकि अभी हमने 150,000 का किया, ठीक है ना, तो 150,000 में अगर अपन 37,500 घटा दें तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपने 112,500, और उसका 60% लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें देखना पड़ेगा कि ये काम कब हो रहा है, जून 18 में बेचा है ना, और शेष स्टॉक का मूल्यांकन मूल लागत के 60% पर किया, ठीक है। 60% कितना होगा, 150,000 में से 75,000 तो हम पहले ही कर चुके हैं, आधा स्टॉक कहाँ गया था, अभी आधा स्टॉक 39,000, ठीक है। तो यहां पर बचेगा कितना, 150,000 में से 75,000 तो बेच दिया गया था कब, 17-18 में, ठीक है। अब बचा कितना, 1 अप्रैल 18 को 75,000। इस 75,000 में से भी क्या किया कि मूल का 1/4 यानी 1/4 of 1,50,000 जो कि हमारे आया था 37,500, ठीक है। इस 37,500 को 21,000 में बेच दिया था 16,500, तो अब शेष कितना रहा, शेष की हमें ये ध्यान रखना है, तो शेष कितना बचेगा, 37,500, ठीक है। इस 37,500 का भी मूल्यांकन कितने पे करेंगे, हम मूल लागत के 60% पर, ठीक है। मूल लागत कितनी थी, ये 37,500, इसका 60% ऑफ रुपीज, इसको 6 से गुणा कर देते हैं, 6×5=30 की सिबर आपका लगा 3 और 7×6=42, 3×45 का 5 आपका लगा 4 और 6×3=18 और 4=22, ये 22,500 आएगा सुन, क्योंकि वो 100 के हिसाब से, तो ये कितने का हुआ, 22,500 पर इसका मूल्यांकन किया गया, 37,500 का 60% 22,500 पर किया गया। अब आगे और जो आपको ये कह रहा है कि बचाए गए स्टॉक का मूल्य 180,000 रुपए था, ठीक है, 180,000 रुपए बचाए साल्वेज स्टॉक, तो ये जो एवरेज क्लोज तिथि अपन करेंगे तब अपन ये चीज देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब अपन सेकंड स्टेप में करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि जो 37,500 रुपए का जो बचा हुआ शेष था उसका मूल्यांकन हमने 60% पर किया था, ठीक है। अब अपन इसी चीज को इस उदाहरण से आप देखिए, क्योंकि आगे अनफोल्ड भी करेंगे तब भी कुछ इस तरह की समस्या आ सकती है। ये काफी अच्छा सवाल है, जटिल भी है, इसमें ये जो मूल स्टॉक और शेष स्टॉक है और ये इनका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो इस सवाल को इसी तरीके से आपको बार बार देखना है कि इसमें क्या समस्या थी, या अब तो आपके पास वीडियो आ गया है तो वीडियो से आप देख लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, ठीक है।
अब अपन इसको एक एक चीज में समझें। सबसे पहले अपन ओपनिंग स्टॉक देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 6,36,000 कैसे आया ये वापिस यहाँ देखिए। 5,76,000 सवाल में दिया हुआ है। 1,50,000 रुपए के माल को 90,000 रुपए पर मूल्यांकित किया गया था तो 60,000 कम दिखाए गए थे तो वो 60,000 अपने यहाँ जोड़ दिए और ये एक्चुअल कॉस्ट आ गया। ओपनिंग स्टॉक एट एक्चुअल कॉस्ट ए जोन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि इस 6,36,000 में 1,50,000 रुपए जो था वो कम बिकने वाली स्टॉक की मत थी, पुअर लाइन है ना। तो ये 6,36,000 टोटल में आ गया, 1,50,000 यहाँ आ गया और घटाकर 4,86,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक की हो गई क्लियर। अब आगे हमको क्या कह रहा है, ओपनिंग इधर आ जाइए, परचेज एज सवाल में दी गई है आपके 24 लाख। ये 24 लाख एज इट इज दिखा दी। सेल्स का फिगर दिया है 30,39,000। ये अपन टोटल में लिखेंगे पहले, ठीक है, ये 30,39,000। उसके बाद अब अपने को कम करना है तो ये अपने को बताया गया था कि 75,000 रुपए के माल को कितने में बेचा था, 39,000 रुपए पर। ये देखिए, ये 75,000 रुपए के माल को 39,000 रुपए में बेचा था। कब बेचा था, 17-18 में, और 17-18 का ही अपन ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ये 39,000 जो सेल्स प्राइस है ये अपन ने एबनॉर्मल आइटम की 39,000 यहाँ दिखा दी तो ये बचा हुआ नॉर्मल आइटम्स की सेल्स आ गई 30 लाख यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी के साथ अपन ने लॉस इस 17-18 के इस कम पुअर लाइन वाले सेल्स को बेचने पर 36,000 का लॉस उठाया था तो उस लॉस को भी हमने दिखा दिया यहाँ पर, बाई लॉस 36,000 यहाँ टोटल में भी और यहाँ भी। अब इसको करने के बाद अपने पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या आ रही है कि क्लोजिंग स्टॉक, सवाल में देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था, ये अपन ने निकाला था 4,77,000 और उसमें ये जो 1,50,000 के शेष 75,000 को कितने पर मूल्यांकित किया था, 36,000 पर, ठीक है ना। या इट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी, 75,000 और ये 39,000 अपन ने यहाँ जोड़े थे तो अपने पास आए थे 5,16,000 है ना। तो ये 5,16,000 टोटल में दिखा दिए और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी 75,000, ये 75,000 हमने एबनॉर्मल आइटम्स में दिखा दी। हालांकि इसका मूल्यांकन कितने पर किया था, 36,000 पर किया था एक्चुअल में, उस वक्त 36,000 पे किया था तो ये 4,77,000 का फिगर आया था। अब इसको जोड़ दिया तो ये कुल एक्चुअल कॉस्ट पे आ गया टोटल और इसमें से इसकी मूल बचे हुए आधे की, आधे को तो अपन ने बेच दिया ये 39,000 और 36,000, बचा हुआ जो 75,000 वो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट पर आ गया और इसमें से इसको घटाकर ये 4,41,000 यहाँ दिखा दिया। जब ये काम हो जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और इस ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो अपन ने निकाला है वो किस पे निकाला, नॉर्मल सेल्स के आधार पर, ठीक है। तो ये इसकी परसेंटेज रेट आ गई अपने पास 18.5% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इस पे तो लॉस हुआ वैसे ही, एबनॉर्मल आइटम्स पे तो प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं। तो ये नॉर्मल सेल्स के आधार पर हमने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दी। अब इस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर हम आग लगने वाले वर्ष के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वो कैसे वो देखिएगा, आगे देखते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। अब जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक था ये देखिए, 31 मार्च 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो यहां पर ओपनिंग स्टॉक में ले लेंगे हम 5,16,000 और 75,000 उसकी ओरिजिनल एबनॉर्मल आइटम्स की ओरिजिनल कॉस्ट थी, बचा हुआ था 4,41,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर इस
सत्रह अठारह की परचेज और सेल्स दी गई है 8,10,000 और 9,21,000, इनको दिखा दें एज इट इज टू परचेज 8,10,000, ये 12 इसमें कोई परचेज में दिक्कत नहीं है, तो टोटल और ये नॉर्मल आइटम्स की होगी। फिर 9,21,000, ठीक है, तो पहले टोटल में लिखेंगे 9,21,000। फिर हमने अभी देखा था कि 1 अप्रैल 2018 से 16 अगस्त के बीच में जून में इसका एक चौथाई भाग, ठीक है ना, ये मूल स्टॉक का एक चौथाई भाग 21,000 रुपए मूल्य पर बेचा था। ये देखिए मैंने निकाला था ना 21,000, ये मूल स्टॉक 1,50,000 का 1/4 37,500, ये 21,000 पर बेचा था, तो ये लॉस 16,518/19 में हुआ था। तो अब अपन इसकी एंट्री एबनॉर्मल आइटम्स में कर देंगे। ये देखिए 9,21,000 में से 21,000 रुपये तो बेचा था और 16,500 का वो गया था, ये दिखा दिया बाय लॉस करके। अब अपने एस्टिमेटेड स्टॉक निकालना है, लेकिन एस्टिमेटेड स्टॉक निकालने के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। किस पर? 18.5% ऑन 9,00,000, जो कि नॉर्मल आइटम्स की सेल है, क्योंकि एबनॉर्मल पे तो लॉस हो रहा है। इस 9,00,000 पर 18.5% की दर से हम निकालेंगे तो वो आएगा 1,66,500। ये करने के बाद ये टोटल कर लेंगे, इस टोटल को जब हम यहां लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में ये चीज आएगी अपने, ये और ये कैसे आएगी, पहले हमको टोटल का करना पड़ेगा। 14,92,500 इसमें से इन दोनों का टोटल घटाओगे तो ये 5,55,000 आएगा। फिर इस 5,55,000 में से 37,500 यहां हम लिख देंगे, क्योंकि ये 37,500 क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है ना, अपन को ओरिजिनल कॉस्ट दिखानी है इसकी। शेष स्टॉक का मूल्यांकन मूल लागत के 60% पर किया गया, तो ये जो मूल लागत के 60% का आएगा ये अपन द्वितीय चरण में काम में लेंगे। यहां तो हमें सही स्टॉक नॉर्मल स्टॉक सही ज्ञात करने के लिए हमें उसकी लागत मूल्य पर ही दिखाना पड़ेगा। तो 37,500 और बचा हुआ 37,500 इसको घटा दोगे तो ये 5,17,500 बाई एस्टिमेटेड स्टॉक एट एक्चुअल कॉस्ट आएगा। यहां पर चूंकि इसने थोड़ा उलझन वाला दिया है, शेष स्टॉक का मूल्यांकन मूल लागत पे किया तो जून 2018 में ही किया था, ठीक है ना, और उसके बाद ये कह रहा है कि शेष स्टॉक का, शेष स्टॉक यानी आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व का, तो जब हम द्वितीय चरण में दावे की राशि और फिर तृतीय चरण में एवरेज क्लोज लगाएंगे तब ये चीज अप्लाई हमें करनी है। चलिए अब देखिए ये 5,17,500 रुपए आए। इसके बाद अब द्वितीय चरण स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो आग लगने की तिथि को जो एस्टिमेटेड स्टॉक था नॉर्मल आइटम्स का इतना, अब एबनॉर्मल आइटम्स का जो ये 37,500 था इसका मूल्यांकन हमें कितने पर करना है, 60%। ये सेकंड स्टेप के लिए है ये इन्फॉर्मेशन, ये 60% पे करेंगे तो वो आएगा 22,500। फिर इन दोनों का टोटल करके लेस स्टॉक साल्वेज, जो बचाया गया स्टॉक था सवाल में दिया हुआ 1,80,000 वो अपन घटा देंगे तो ये आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। ये अब कोई ज्यादा हमारे सामने समस्या नहीं है। तृतीय चरण उसमें हमें मालूम है स्टॉक का मूल्य कितना था 5,00,000, जबकि पॉलिसी का मूल्य इतना है, ये 5,40,000 था, पॉलिसी का मूल्य 4,50,000 ही है, तो एवरेज क्लोज लागू होगा। एवरेज क्लोज लागू होगा क्यों, क्योंकि इंश्योर्ड अमाउंट 4,50,000 है, जबकि इंश्योरेबल अमाउंट जो कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, ये इंश्योरेबल अमाउंट पहले भी अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंश्योरेबल अमाउंट कौन सा होगा, वो ये फिर लिख देते हैं। चलो इंश्योरेबल अमाउंट,
ये 5,17,500 और 22,500 जोड़कर ये रिवाइज फिगर आया। वैसे तो 5,55,000 होता, लेकिन इसका 60% वैल्यूएशन करने के बाद कितना हुआ, 5,40,000। तो ये रिवाइज्ड इंश्योरेबल अमाउंट। इसमें जो स्टॉक साल्वेज घटाया था अपन ने, तो अब एवरेज क्लोज के अनुसार अपन दावे की राशि ज्ञात कर लेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम 3,60,000, ये जो बचा हुआ लॉस ऑफ स्टॉक 3,60,000, इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, तो ये हो गया हमारा दावे की राशि। इससे अधिक जटिल सवाल अब आपको शायद देखने को ना मिले, ठीक है ना। और यही चीज इसने जो अपन ने पूर्व में समझी थी वही चीज इसने की है। इसने किताब में थोड़ी सी ये गलती थी जो मैंने सुधार दी है कि एबनॉर्मल आइटम्स की वैल्यू 75,000 थी और नॉर्मल आइटम्स की ये थी, ठीक है ना। अब आप इसको आगे देख लीजिए। इसी के साथ एक छोटा सा आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के पहले कोई इंश्योरेंस भी है, इसको भी आप देख लो, छोटा सा है कि सह बीमा के अंतर्गत हानि का एक पूर्व निर्धारित भाग स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। माना कि पॉलिसी में 60% सह बीमा वाक्यांश है, को इंश्योरेंस क्लोज। इसका अर्थ यह था कि संपत्ति के वास्तविक मूल्य के 60% तक का नुकसान बीमाकर्ता द्वारा उठाया जाएगा और शेष बीमित द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। यानी 40% जिसने बीमा कराया है मालिक व्यापार का वो वहन कर लेगा। जैसे 1,00,000 रुपए की पॉलिसी 80% सह बीमा वाक्यांश के साथ लेता है, तो 1,00,000 का 80% 80,000 तो बीमा कंपनी वहन करेगी और वास्तविक हानि 80,000 से अधिक है तो ये एक्स द्वारा ही वहन की जाएगी। ये तब की जाएगी जब वास्तविक हानि 80,000 से अधिक हो। 80,000 तक के लिए वो को इंश्योरेंस क्लोज उसको बाध्य करेगा बीमा कंपनी को कि वो उस हानि की पूर्ति करे। एक और इसको इसी उदाहरण से आगे समझाया गया कि यदि उपरोक्त स्थिति में यदि स्टॉक का मूल्य 2,00,000 है परंतु यदि पॉलिसी का मूल्य 1,60,000 रुपए या अधिक है, तो इसका मतलब यही है कि 1,60,000 रुपए की हानि बीमाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी, परंतु यदि पॉलिसी का मूल्य 1,60,000 से कम होता है तो औसत वाक्य भी लागू होगा। माना कि वास्तविक हानि 1,00,000 है, पॉलिसी का मूल्य 1,20,000 है, तो ये तो वही जो एवरेज क्लॉज वाली कंडीशन है कि आग लगने की तिथि को अनुमानित जो स्टॉक था वो 1,60,000 था जबकि उसने बीमा 1,20,000 का ही लिया था, और एक्चुअल हानि कितनी हुई 1,00,000, तो 75,000 होगी। यदि सह बीमा वाक्यांश नहीं होता है तब दावे की राशि कितनी होती, 2,00,000, यहाँ पर 2,00,000 आता। यदि ऊपर ये कह रहा 2,00,000 है, ठीक है ना, तब। लेकिन अगर पॉलिसी का मूल्य 1,60,000 रुपए या अधिक है तो 1,60,000 रुपए तक की हानि बीमाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। समझ गए बात आप, ये 1,00,000 की थी, ठीक है, 1,00,000 में 80% था। इसी उदाहरण को अपन ने लिया, यदि स्टॉक का मूल्य कितना मान ले 2,00,000, जबकि यहां पर कितना था स्टॉक के लिए, 1,00,000 की पॉलिसी ले रहा है 80% बीमा वाक्यांश के साथ, ठीक है ना। अब ये आदि के कैसे निकालना है इसने, ये देख लो आप। उपरयुक्त स्थिति में यदि स्टॉक का मूल्य 2,00,000, पॉलिसी का मूल्य 1,60,000, तो 1,60,000 रुपए की हानि 80% के हिसाब से वहन कर लेगा, लेकिन पॉलिसी का मूल्य 1,20,000 से कम है, वो कब, 2,00,000 का 80% 1,60,000 होता, यानी 1,60,000 या उससे अधिक की पॉलिसी ली है, तब तो ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, सॉरी सेकंड कंडीशन आ जाए। और अगर ये परिस्थिति होती है कि वास्तविक हानि 1,00,000 की है और पॉलिसी का मूल्य 1,20,000, यानी 1,60,000 से इसने 1,20,000 ही लिया है,
तो ये स्थिति लागू होगी, और अगर पॉलिसी 1,60,000 या अधिक होती तो ये सेकंड वाली स्थिति होती, तब उस स्थिति में ये 60,000 ही भुगतान होता। तो ये एक शॉर्ट आंसर टाइप में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, इसके बाद जो आगे अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन इसको देखेंगे। लगता है बहुत बड़ा हो गया, ये अपलोड भी होगा नहीं होगा।